उत्तर प्रदेश चुनाव के पांचवें चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में जिन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है, उनमें यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत दांव पर है। कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघु प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ ही अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत का भी फैसला होना है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी झूठी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा अपराधी मंत्री हैं। तिवारी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी और आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आतंकवाद पर जवाब दिया है। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने बाराबंकी के मतदान केंद्र में वोट डाला। मतदान के बाद पीएल पुनिया ने कहा, बीजेपी सोचती है कि वह कमजोर हो गई है और हार रही है, इसलिए पार्टी ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मैदान में उतार दिया। वह कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग लालच में नहीं आएंगे। उन्होंने बीजेपी को हराने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने वोट डालने से पहले कोठी में बने बजरंगबली के मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हर बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जीत सुनिश्चित करेंगे। राजा भैया ने कहा कि 8 प्रत्याशी इस चरण में हमारे लड़ रहे हैं। कुंडा में सिर्फ चुनौती है, अपनी मार्जिन को तोड़ना है, वो तोड़ेंगे। चुनाव हो जाए उसके बाद गठबंधन की बात करेंगे। वहीं राजा भैया की बेटी विजय राजेश्वरी ने कहा कि कुंडा में इस बार भी पापा जीतने वाले हैं। इस बार 1.5 लाख का मार्जिन पार करेंगे, पापा बहुत निश्चित रहे हैं। दूसरी बेटी राघवी ने बताया कि हम लोगों ने साथ में पूजा की और मनाया कि सब अच्छा हो, हमेशा हम लोगों को ज़्यादा समर्थन मिला है। वहीं प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने, इस बार हम कुंडा समेत प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। कई बार जब प्रशासनिक कार्य में अधिकारी अड़चन आती है तो विधायक जनप्रतिनिधि होने के कारण धरने पर बैठना पड़ता है। इस चुनाव में बीजेपी दमदार प्रदर्शन करेगी।